सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो ये तो तुमने पूरा ही हाईवे जाम कर दिया, ऐसी क्या मजबूरी आ गई? जो हाईवे मजबूरी आ गई जी, ना प्रशासन सुन रहा, ना मिल मालिक सुन रहा, ना शासन सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा। और कहाँ जा बता, प्रशासन के लोग आए थे क्या कह गए? बनो कह गए रहा तो है नहीं, जाम खोल दो। अच्छा फिर तुमने क्या कहा? हमने नुकार रहा दे दो जाम खुलवा लो, हमें कैसे होंगे अपने घरों से होंगे पाप ला गए। शामली जाम कर दी तो मांग होती है, शामली को चारों तरफ से जाम करेंगे जब तक पैसा मिलेगा, नहीं देने वाले ही है। मूल समी चागा नहीं कह जागे, छे हमारी में करदान खा जाइए, छे हमें मानना पड़ो, छे मानना पड़ जाइयो। इंजीनियरों का आधा 14 दिन में करना भुगतान और ब्याज सहित। हाँ जिन्हों तो यहाँ से बहुत गए आदमी का कह गई, हर मोदी ने नू बिलगा कह लबा तुम वासी बैठे या योगी ने कह और कह लो अब बैठे। एक एक अठन्नी चवन नहीं थी मेरी, वो अभी नूला खो दी मेरी। जैन चौधरी साहब, वो जैन चौधरी साहब इन बच्चों कहीं गोड़ जा था, उसने जी के कह लाई और जा था कह ला इसकी बड़कटी मार दो। और क्या समझ बुर होंगे बताओ, जब पैसे नहीं मिलेगा गंडे घेर दिए, सारी चीज उन्हें सौंप दी, खत्ती मारे धोरे यू ही तो है साधन, और क्या है? उस मिल मालिक ने पहले मिल मालिक ने हाथ भी जोड़ लिए, ये तो सारा बात ही नहीं करके राजी रहे त्रिवेणी ग्रुप वाले। हाँ जी ये तो बात करके राजी नहीं है, ये तो अपना पड़ा को तुरंत काम मान गया। यहाँ के किसान नहीं देखे लोग, ये देखागा खतौली के देखे होंगे या बगल के देखे होंगे, पर सामने किसान जिस दिन देख लगा ना इनका। सीसी में आप सभी का स्वागत है, हम अभी जिला शामली में है, जिला शामली के हम जो है मेरठ करनाल हाईवे पर हैं, जहां पर किसान जो है बकाया गन्ना भुगतान को लेकर जो है धरने पर बैठ गए हैं, रोड पर धरने बैठे। पिछले 2 दिन से लगातार किसान सड़कों पर है जिला शामली के, पिछले 12 दिन से किसानों का धरना जो है शामली शुगर मिल में चला हुआ था, जब वहां पर बात नहीं मानी गई तो मजबूरन किसान को जो है रोड पर आना पड़ा। अभी बहुत सारे किसान जो है तहसील पर जो है धरने पर बैठे हैं हाईवे पर, और आज यहाँ जो है मांग ना माने जाने से नाराज होकर किसान जो है धरने पर बैठे हैं। तो हम यहाँ के किसानों से बात करते हैं। नमस्कार जी बाबा जी। नमस्कार भाई, क्या बात हो गई जी, धरने पर क्यों बैठ गए हाईवे पे? भाई ये रुपए नहीं दे रहे हमारे। अच्छा। अरबा हम भूखे हैं यहाँ पे आने बैठे और क्या करें। अच्छा। तो ये तो तुमने पूरा ही हाईवे जाम कर दिया, ऐसी क्या मजबूरी आ गई? जो हाईवे मजबूरी आ गई जी, ना प्रशासन सुन रहा, ना मिल मालिक सुन रहा, ना शासन सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा। और कहाँ जा बता, तू आज जगह बता दे, आज बैठे वहाँ पे जा बैठे तहसील में बैठ जाते, तहसील में ठीक रहता, तहसील में बटन नहीं दिए। अच्छा किसने? तहसीलदार ने। अच्छा तहसीलदार ने वहाँ बटन नहीं दिया, क्वार्ट नहीं बैठ रखे वहाँ। कितना रह रहा बकाया बनना भुगतान, क्यों नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत आ रही? भाई 250 करोड़ है, बाकी पता क्यों नहीं कर रहे? अभी प्रशासन के लोग आए थे क्या कह गए? बनो कह गए रहा तो है नहीं, जाम खोल दो। अच्छा फिर तुमने क्या कहा? हमने नुकार रुपये दे दो जाम खुलवा लो, हमें कैसे होंगे अपने घरों से होंगे पाप ला गए, मच्छर लगे छोड़ दिया। तो अच्छा, तो पूरी रात यहीं रहोगे और कहाँ जाओगे? हाईवे पूरा जाम कर दिया मगा, रात नहीं चाहे दिन लग जाओ दो। हाँ। रुपये लेके जाओगे? अटोनी जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, आपका नाम? अशोक कुमार। अच्छा अशोक जी, क्या लग रहा है जो धरने पर बैठ गए, क्या मांग? क्योंकि बहुत सारे किसान वहाँ तहसील पर बैठे रोड पर, और आज आपको भी यहाँ बैठा, तो चारों तरफ से दिल्ली जो है शामली जाम कर दी, तो मांग होती है शामली को चारों तरफ से जाम करेंगे जब तक पैसा मिलेगा, नहीं देने वाले ही हैं। तो कब से धरना चल रहा था और मजबूरन क्यों आना पड़ा यहाँ पे? मजबूरन तो मजबूरी था, पैसे की होगी, जब पैसा नहीं दे रहे तो बैठना तो पड़ेगा। अच्छा हाँ, जब मील बिक जाएगा तो भुगतान पूरा मिल जाएगा, तो क्यों नहीं हो पा रहा? तो नहीं कहने तो मिले के दिया तो नहीं उन्होंने, तब लोग बैठे रहोगे जब तक पैसा नहीं मिलता पूरा। प्रशासन के लोग आए थे, उन्हें उनका तो आने का ही काम है, कभी लट्ठी चार्ज करते हैं। अरे उसे भी देखेंगे, कल मगर तहसील में भी नहीं पड़न दिया, और ज्यादा भड़का का मामला वे लाठी चार्ज करके तो देखो एक बार। अच्छा। हम भी तो चेहरे वे करते हैं, तो दबाव बना रहेगा प्रशासन? बिल्कुल पक्का दबाव बना रहे प्रशासन, बिल्कुल बिना दबाव के रस लिखे नहीं। अच्छा भगत सिंह वाली बात, भैरव को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल, और धमाका करेंगे। अच्छा तो कब लोग का बैठने का प्लान है भाई? जब लोग पैसा नहीं मिला बैठे ही रहेंगे। अच्छा छह साल लग जाएगा, एक दिल्ली रोड जाम करने लग रहे हम। हाँ, हाँ। दिल्ली रोड आज जो इसके दोनों लुंडे उसमें बड़े बड़े लुंडे मेरे है, पैदा हो रहे हमने कर रखे यहाँ। अच्छा। एक का कुछ जगह मार जाके धरती पे हमारे दौरे जा रहे हैं, करवाओ दिल्ली रोड, हम जाम करने लग रहे हैं। दिल्ली रोड भी करोगे? हाँ वहाँ जाकर देखो, तुरंत जाकर देखो। हाँ देखो तो चारों तरफ से जाम करोगे? अरे पूरा पूरा एरिया कराना रोड भी है, वो भी है करना रोड भी, पानीपत रोड भी सारा। हाँ चारों तरफ से। हाँ
जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई, आपका नाम? विनोद कालखंडे। आप सुकून से बैठ के धरने पे खाने पाने का इंतजाम यही होगा क्या भाई जी? खान को तो है ही नहीं, नमक ही नहीं रहा घर में भाई, स्कूल में फीस नहीं रही, कुछ नहीं रहा भाई। थोड़े 3 साल हो लिए, पहला पका नहीं दिया, ईबका नहीं दे रहे, फेल कर नहीं दिया। माँ भी धरना टेक लिया, छर साल तो 2 साल हो लिया, मैं धरना टेक तू भाई। चप्पल में चप्पल भी नहीं रही, कोई सुनने वाला नहीं रहा। दुकान वाले का धोरा जा, कोई एक मंडल भी दे देगा तो बिना रुपये के भाई किसी को। हमने क्या 1 साल हो लिया, कितना ब्याज कुमार रखा होगा मारते हैं है? जब एक रुपये का अपना ब्याज कुमार सके तो हमारा कितना कुमार है वे? मूल समी चाहगा जागे छे हमारी करदान खा जाइए, छे हमको मानना पड़ो, छे हम मानना पड़ जाइयो। कितने साल से पैसा नहीं दे रहा मिल? 3 साल हो लिया, पहला इसका पहला 8 साल पहला उसका वो नहीं पका दिया उन्होंने हमारा। कुछ पैसे थे मायावती के राजबाबा थे वे नहीं दिए थे 4 रुपये मेरे भी लोग का। अच्छा पीछे से कह रहे थे मील में घुस गए, लेकिन लेकिन आश्वासन दे दिया था भाई, विधायक जी भी आए थे शामली जिले के। ऐसे है जी, जो यहाँ का मैं तो पुलिस वालों को कर्मचारी जो जितने भी है जो ये चाह एक मैं चाहूँगा हरी तो आने का खिचड़ी सी पका कर चले जाके मिनटू में है ये जाकर नेताओं को कूनी नूनी कहते कह ना तब इन्हें किसानों को यहाँ से झाड़ फिर लग रहे रोड पर उनका जाकर भुके हुए भुके फिर के कहला चोरी कर लिए कोई कोई आत्महत्या कर लिया तू कर रहा हूँ किसान आत्महत्या। हमें शौक है कुछ है बताओ बाबू जी, हमें कोई शौक नहीं है किसी चीज़ का भी ना, वो किसी को अतड़ा जी है। और जो रही सामने की बात कोई भी लाला किसान में जो चीनी का विभाग हुआ चाहे किसी भी व्यापारी का हुआ, हम किसी भी सामान को जान नहीं देने का जबैर। अच्छा कहीं नहीं जाना, तो कहीं नहीं जाने सब्जी सब बंद कर देगा, दूध दस सब बंद करोगे हम अपना शामली जितने भी नेता लोग है पन्नी का ही दूध पिवागे, गाय का दूध और भैंस का दूध नहीं मिलने का ना नसीब होने का। बाहर भी नहीं बेचो कुछ ना कुछ नहीं भेजने के जी, हमारा बैर हम बैर भेजा लग रहे मगल अपना सर आटा भेजा लग रहे खाई सब चीज तो भेजा लग रहे हैं वे हमारे नाम का के भेज रहे पसीना कुमारे कचे पीटे पड़े हैं हमारे जगह भूखे मरा लग रहे। हमें क्या फायदा हो रहा है जनता का सरकार का हमें क्या मिल रहा? 2 साल ये 2 योजना सरकार की होली मायावती की आली अखिलेश की आली उन्होंने आपस में सिर भिड़वा दिया मेरे। हमें बता था कौन सी सरकार कौन सी बढ़िया रही, और कोई सी सामने लो कहीं भी चले जाओ तुम जितने भी वो है थाने गए बने के नाम वो लग रहा है पुलिस वाले खड़े हो कहीं भी इनका ऊपर का ढकन का है क्या कुछ गौड़ ये इनका छेड़े लग जा कहीं सब नहीं आ जाओ कहीं शौचालय में जाकर भी साफ निकल ले। आज लोग कहीं सरकार में जो के सामने की सामने तक ये होगा भाई जिला हो गया आज लोग का व्यवस्था दिख रही तो मैं पत्रकार जो सही है पत्रकार है वो लेगा जा बात को जा उसे मुँह तो धमका दे या तो 2.5 रुपये तो मान जा अन तेरे जाकर जाके गोली मारा हम तेरे कितने पत्रकार मरे भी मरे हैं जी। तो क्या जुकर दिल्ली की सीमा सील कर दी थी नहीं करोगे आप? उस तभी भूडी अच्छा इतना पेमेंट नहीं मिलता वे तो हज भी गए हम हटन वाले नहीं। अच्छा। जो भी किसान जनता शामली का अंदर था आंदोलन चलानी वो पूर्ण होगा चले। अच्छा। जीत का जगह यू मिल वाला नु कहता होगा हम तेरे गुरु है हम उसे गए हम तेरे बाप है। अच्छा। हम तो जोते को वहाँ बैठते जो जाने जोते ना बैठता हूँ हड़क वहाँ पे बैठ दे। जी भाई साहब आपका नाम? नितिन चौधरी। आप भी यहाँ धरने में आ रहे हैं? हाँ भाई बिल्कुल आ रहे हैं। नौकरी की तैयारी करो, आप क्यों धरने में शामिल हो रहे हैं? नौकरी की तैयारी करे पर नो तो बताओ कोचिंग की फीस कहाँ से दे? बिना इसके पेमेंट के हमारी कोचिंग की फीस कहाँ से जाएगी? ये तो पीछे देता नहीं कोचिंग के वाला को तो पीछे चाह उसे तो पीछे मिलेगा जी भी तो हमें पढ़ाओगा बिना पढ़ाई के कहाँ से पढ़ेंगे बताओ भाई। रोजगार देख लो वो देख लो तो कितनी भर्ती खुल रही वो देखो तो कितनी समस्या हो रही भाई पेमेंट ना मिल पाने से आप जैसे युवा हो। समस्या तो भाई हर प्रकार की हो रही है देख ले ग्राउंड लेवल पे देख ले या कहीं भी देख ले स्कूल में बालकों की फीस नहीं जा रही अगर कोई बीमार हो गया वो बता कहाँ जाएगा डॉक्टर के जाने का उसका दौरा पैसा नहीं है ठीक है खाद बीज का पैसा नहीं है कहीं का लेके जाएगा हर चीज महंगी हो रही तो ऑटो नहीं देना पेमेंट का भुगतान नहीं हटते मजबूरी में आना पड़ा किसानों को। हाँ आज वार्तालाप करी थी इन्होंने मीटिंग करनी थी अट्टे में नमक जितना भाव कह रहे हैं कह ला 25 करोड़ दे देंगे हमारे पूरे क्यों नहीं देते ये पूरे पूरे दे तो हम खड़े होकर अपने घर की डब्बू खोल लेंगे। एक बात और कहना चाहूँगी भाई हमारे इन्होंने एक धड़ी 10 धड़ी का खाद था हमारा एक धड़ी था वो खाए गए हमारा ऊपर था पीछे बढ़ा दिया एक धड़ी के 2 धड़ी को घटे में तैर दिया हम दही बबी नहीं नू गया कह लो हमने किसान खुश कर रखा भाई छिड़काव कर रहे दवा का कोई भी सरकार है इनका कोई नू कहता कह लो कोई भी किसान बताता कह लो वहाँ छिड़काव करवा रखा उस खेत में किसानों की क्या चीज़ सुविधा दे रहे बीज खाद में बता कोई चीज़ में सुविधा दे रहे हमें एक सुविधा बता दो आप नुक चीज़ में सुविधा दे रहे किसानों को। तो
आपकी क्या जो मेन जो मांग है आपकी, वो क्या मांग है? हमारी यह है जी, हमारा पैसा दो। अच्छा। तीन साल हम पैसे को बोलिए, दो साल वैसे बोलिए, पिछला बका है वो, उसका ब्याज समीत चाहगा भी हमारे। अच्छा, ब्याज चलो हमारा मोल आ जा, हम मोल भी ले, हम ब्याज भी लेकर मान लगे अपना। इंजीनियर का था 14 दिन में करना भुगतान और ब्याज सहित। हाँ जिन्हों तो यहाँ तो बहुत गया आदमी का कह गई, अरे मोदी ने तू बिल का कहने लगा, तुम वासी की बैठे योगी ने कहा और कह लो वहाँ बैठे, एक एक अठन्नी चवन्नी थी मेरी, वो अभी उन्होंने खो दी मेरी। जैन चौधरी साहब, वो जैन चौधरी साहब कहने वो तो कहीं को जा था, समझ के कह लाई वो जा था, कह ला इसकी बड़कटी मार दो। एक वो था हमारा सुरेश राणा था, जिले का गन्ने का वो था मंत्री था, वो उसने नाश करा सही था उसी मिल का, तो वो आना लस मिल में उस मिल का ढंग बैठाना दिया हमने। हाँ जी नमस्कार जी भैया, हाँ ले जा नमस्कार जी। सर हमारा किसान कार्ड बनता है, बैंक से हमारा लोन होता है किसानों का, जितने को अभी बैंक लेता है हमारे से एक पैसा। अच्छा, मिल कोई ब्याज दे हमें? दो साल हो जाओ, एक साल हो जाओ, हमारे कोई सुनने वाला है या नहीं है बताओ? चलो तो आने को नहीं, मजबूर हो गए क्या? और कैसे मजबूर होंगे बताओ, जब पैसे नहीं मिलेगा गंडे घेर दिए, सारी चीज उन्हें सौंप दी, खेती मारे दौरे यू ही तो है साधन, और क्या है? अच्छा किसान का इतना सारा पैसा मील पे है, वो दे क्यों नहीं रहे, क्या कारण है उसका? तो सरकार जाने या आप जानो, जो सुनाने वाले हम क्या जाने बताओ? किसान है घेर दिया माल, पैसे नहीं रहे हमारे, हमारी आरसी कट गई, हमारा के कोर्ट में केस चलेगा तो हम परेशान हो जाएंगे। मेल की आरसी कै बार कट ली, कितनी बार आरसी कटी, कितनी आरसी कटी उसकी? प्रशासन ने साथ दिया उसका, किसान का साथ दिया? नहीं दिया, आज तक दिया ही नहीं। क्यों नहीं देता? क्योंकि सरकार उसके हाथ में है, किसान के हाथ में सरकार नहीं है। आरसी हमारी कट जाओ, हम तड़की अपनी चे घर भर बेचो, धरती बेचो, कुछ बेचो, उस आरसी का प्रबंध करा गए। इसकी आरसी 10 बार कट ली, सरकार कहाँ आया हुआ बताओ? कहाँ है? बताओ कहाँ है सरकार? वह मोदी ने, योगी ने, कोई ने भी सुनी हो इस चीज की? आरसी कटी क्या बार आरसी कटी इसकी, कितनी बार कटी? उस मिल मालिक ने पहले मिल मालिक ने हाथ भी जोड़ लिए, ये तो सारा बात ही नहीं करके राज जी रहे त्रिवेणी ग्रुप वाले। हाँ जी, ये तो बात करके राज जी ने है, ये तो अपना पड़ा को तुरंत काम मान गया। यहाँ के किसान नहीं देखे लोग, ये देखागा खतौली के देखे होंगे या बगल के देखे होंगे, पर सामने किसान जिस दिन देख लगा ना भी, हम तो मिल और सोसाइटी दोनों को जाम करेंगे। गन्ना नहीं डालने के उसमें? नहीं डालने के, नहीं बिल्कुल नहीं डालने के, इतना हमारा पेमेंट और ब्याज नहीं होने का। अच्छा दिवाली भी आ रही है, पेमेंट नहीं हो रहा, तो कितनी दिक्कत होगी किसानों को? दिक्कत हमारे जाकत नहीं है, कहाँ जाएंगे वे? सब्जी कोई बोली कोई भी, वे कहाँ जाएंगे? हमारे जो जाकत है, जिसकी हम नौकरी के चक्कर में है, या हम अपने घरों रोटी सुविधा कुछ भी करा सब जुगाड़ कहाँ से लाओगे? ये बताओ आप, ब्याज नहीं, पहले तो मूल ही दे रहा, ब्याज तो अपनी स्थिति में जाओ। अरे कुछ तो हाँ करागा, वो तो हाँ भी नहीं करता किसी के आगे, वो तो हाथ खड़े कर दे। पहले मिल मालिक था वो, उन तो कहता हाथ जोड़ के भाई दुम्मा थारा, यू तो हाँ भी नहीं करता, ये तो ऐसा मिल मालिक फंस गया है। चुगर देखो ये आदमी किसान जो अपनी मजदूरी के चक्कर में बैठे, वे चुगर देखो बैठ गया आज। अच्छा चारों तरफ बैठे चुगर देखो, वे कहाँ जाएंगे, उनके जाकत कहाँ जाएंगे? अगर पैसा सरकार नहीं देगी और सरकार के हाथ में है, वह बात नहीं कर राज्य है, योगी मोदी के चीज हाथ में नहीं है। हम अभी जिला शामली में थे, जिला शामली में हम जो है मेरठ करनाल हाईवे पर है, जहाँ पर किसान जो है बकाया गन्ना भुगतान को लेकर धरने पर बैठ गए हैं, और इनका कहना है कि जब तक बकाया गन्ना भुगतान नहीं होता, ब्याज समेत अगर बकाया गन्ना भुगतान नहीं होता तो यहाँ से धरने से नहीं हटने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, पिछले 6 महीने से लगातार जो है किसान धरने पर है, और 12 से 15 दिन से जो है किसान शुगर मिल पर धरने पर बैठे थे। कल जो है किसानों ने जो है तहसील की ओर कूच किया था, लेकिन उन्हें तहसील में अंदर घुसने नहीं गए, जिसकी वजह से बाहर मुजफ्फरनगर वाले रोड पर ही धरने पर बैठे हैं। और आज बहुत सारे किसान जो है मेरठ करनाल हाईवे पर जो है धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि जब तक बकाया गन्ना भुगतान नहीं होता तो शामली चारों तरफ से जाम रहेगी। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आ रही। धन्यवाद।